टास्क है जी स्विच को अंडरस्टैंड करना, स्विच के अंदर क्या लॉजिक इस्तेमाल होता है और स्विच क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, तो स्विच का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हम इसको एज अ अल्टरनेटिव टूल यूज़ करते हैं, किसका, नेस्टेड इफ का, इफ या इफ एल्स का। ठीक है जी, अच्छा ये हमें कैसे फ़ायदा देता है, अच्छा ये जो वैल्यूज़ है ना ये इंटीजर फॉर्मेट में ही जस्ट लेता है वैल्यू। ठीक है, इंटीजर या करेक्टर फॉर्मेट दो इसको वैल्यूज दी जा सकती हैं, और ये कंपैरिजन किसकी बेस पे, कंपैरिजन इसमें नहीं होते, ये वैल्यूज़ को मैच करता है। अच्छा मैच और कंपैरिजन में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है, फर्ज करें वैल्यूज़ मैच करनी है, वैल्यूज़ कंपैरिजन करना है, मुआजना करना। अब कंपैरिजन में होता है ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, अब जो मैच होता है उसमें तो जो सेम होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई नहीं मैच हुई तो उसका हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है जिसका हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। मैच करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड केस, केस एक लगा दो, लेबल लगा दो, वो मैच अगर हो गया, केस अगर वन है यानी कि वैल्यू वन है तो वो मैच होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, या आप सिंगल कोट्स में करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वन और ये वन डिफरेंट है, ये इंटीजर का वन है, ये करेक्टर है। ठीक है, वन नहीं है, अब ये करेक्टर वन है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए केसेस जिनके साथ मैच करना है, अगर कोई केस भी मैच नहीं होता तो हम यूज़ करते हैं फिर उसके लिए डिफॉल्ट। अच्छा तो इसमें जो है वो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उस नंबर में चेक करेंगे कि अगर उसमें 7 तक उसने नंबर को एंटर किया तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे डे डिस्प्ले करवा देंगे। ऐसे मंथ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि 12 तक यूज़ कर लें केसेस, और 12 तक अगर कोई नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग उसे मंथ डिस्प्ले करवा दें, अदरवाइज हम उसे कहेंगे जी इनवैलिड नंबर फॉर मंथ या इनवैलिड नंबर फॉर डेज। ठीक है, अब 7 दिन कितने हैं, 7 दिन है ना, 7 में से वो चाहे 1 एंटर करे, चाहे 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें से कोई भी एंटर कर सकता है, हम इनके अकॉर्डिंग डेज डिस्प्ले करवाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक 1 है तो कौन सा डे डिस्प्ले करवा दें, अपनी मर्जी से शुरू कर दें जहाँ से करने, लाइक हम फ्राइडे से शुरू कर देते हैं, फ्राइडे से पहला दिन हमारा फ्राइडे है, दूसरा दिन हमारा सैटरडे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले तो हमने यूज़र से एक नंबर लेना है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और यूज़र से लेते हैं एक नंबर। जी हमजा बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे, अच्छा सा मैसेज प्लीज़, ये हमारी मैसेज वाली इंग्लिश आ गई, प्लीज़, हाँ ई एन टी आर, ओह सॉरी ये वो इंग्लिश है मैसेज वाली, प्लीज़ एंटर नंबर। ठीक है, प्लीज़ एंटर नंबर, अब दूसरा बंदा देखे कन्फ्यूज़ हो जाए, पता नहीं क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर नंबर। अब हमने वैल्यू अगर लेनी है तो किस तरीके से लेंगे, भी अभी स्कैन एफ लगाएंगे, भी हम स्कैन एफ लगाएंगे, जी वैल्यू आ जाएगी भी, हाफिज़ क्या लगाएंगे, मॉडुलस फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा करो, क्या लगाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन सा लगाना है, डी, डी क्यों लगाना है, क्योंकि हमने इंटीजर लेनी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, जी वैल्यू आ जाएगी, यस अभी नहीं आएगी जब तक यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा। जी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू, अब हम ये वैल्यू जो है वो भेज देते हैं किसको, स्विच कीवर्ड लगा के इसकी ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल रख देना है। ठीक है, अब उसके नीचे जितने आपने मैचेस करवाने हैं वो केसेस यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं पहला केस लगाता हूँ यहाँ पे, केस वन, यानी अगर वो वन एंटर करे यूज़र, ये केस लगाने का तरीका है। अगर करेक्टर में लगाना है तो जस्ट यहाँ पे सिंगल कोट डालनी है। ठीक है, इंटीजर में लगाना है तो फ्लोट में नहीं लगता, फ्लोट में मैचिंग नहीं कर सकते आप, फ्लोट में मैचिंग आप नहीं सुन सकते, यहाँ वन लग गया, ओके जी केस वन आ गया जी, यानी अगर यूज़र ने वन एंटर किया होगा तो हम उसे क्या प्रिंट एफ कर देंगे, क्या प्रिंट एफ करें, क्या दिन डिसाइड किया था हमने, फ्राइडे, सही है गलत तो नहीं है, अच्छा फ्राइडे एंटर कर दिया जी। अभी मैं इसके बाद क्या करता हूँ जी, एक केस और लगा देता हूँ। ठीक है, केस मैंने लगा दिया केस टू, यानी अगर दो एंटर करे तो फिर क्या उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है सैटरडे, सही है स्पेलिंग, स्पेलिंग की माफ़ी है। ठीक है, ओके जी केस, देखिए कैपिटल नहीं लगाना, अगर मैंने कैपिटल लगाया तो देखें उसको गलत कंसीडर कर रहा है,
तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा थ्री, कॉलन लगाना नहीं भूलना, ये कॉलन है और ये सेमी कॉलन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने प्रिंट एफ किया और मैं इसको भी ज़रा इसी हिसाब से रखता हूँ, ठीक है। सैटरडे की जगह पे क्या कर देना, अब संडे, ठीक हो गया जी, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाए। ये ले जाए फोर, संडे की जगह पे, ठीक है। और अब यहाँ पे फोर की जगह लगेगा फाइव, और एक मिनट, मैं ना एक और काम करना चाहता हूँ, ज़रा काम ही ख़त्म करो, टेंशन पड़ी हुई है ना। चलो सात पूरे हो गए, ये छः और ये सात, फॉर्मेटिंग बाद में कर लेते हैं। संडे और यहाँ पे मंडे हो गया था, यहाँ पे ट्यूसडे की स्पेलिंग गलत कि सही है, लो जी सारी इंग्लिश चेक हो गई हमारी। वेनसडे और फिर ओए थर्सडे आएगा, ठीक है थर्सडे आएगा, ठीक है, लो जी हो गया डिलीट। अच्छा अब इसमें से ये ठीक करने वाली फॉर्मेटिंग, इसको वापस ले जाओ, इसको ये वापस ले आया मैं, ठीक है। अब के सात लग गए, अब इसमें से कोई वो नंबर एंटर करेगा तो हमारे पास उसको जवाब देने के लिए रिस्पॉन्स मौजूद है, लेकिन फ़र्ज़ करें वो सात से अलग कोई नंबर एंटर करता है तो मैंने उसके लिए फिर एक और आंसर रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉलम, ठीक है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं जनाबे वाला, अभी इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, ठीक है ना, हम वो गलतियाँ बारी बारी दूर करेंगे। हम यहाँ से कहते हैं भाई इनवैलिड डे नंबर, प्रॉपर मैसेज दे दिया, ठीक है। लें जी यहाँ तक कुछ पूछना है आपने तो क्वेश्चन कर लें, ज़रा आसानी हो जाएगी। इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड मतलब सात दिन ही है ना, सात के दिन तो बाद ही हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो डे नंबर होता ही नहीं सात के बाद, ठीक है। आठ कर दिया उसने, ज़ीरो एंटर कर दिया, कोई भी कर दिया, वो डे नंबर नहीं है। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ करें जी मैंने एंटर कर दिया, प्लीज़ एंटर नंबर, मैंने एंटर कर दिया आठ, इनवैलिड डे नंबर, यहाँ तो ठीक है आंसर आ रहा है। अब गलत आंसर कहाँ आएगा देखना ज़रा, अभी मैं इसमें थोड़ी सी स्पेस दे दूँ, थोड़ा अच्छा नहीं था, लुक ज़रा अच्छा करते हैं। अच्छा जी अब फ़र्ज़ करें मैंने एंटर कर दिया डे वन, अब यहाँ क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फ्राइडे, लेकिन ये ओहो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, पागल हो गए, इनवैलिड भी दे रहा है, वाई नहीं, वापस तो जाएंगे लेकिन लॉजिक बताना है आपने, कोशिश करनी है लॉजिक बताने। एक तो यहाँ पे हमने आई नो एक तो यस बताओ ड्रेस प्रेटर की यहाँ जरूरत ही नहीं बच्चे, गलत हो गया आंसर, और स्लैश एन तो लगा दिया मैंने सिर्फ न्यू लाइन पे जाने के लिए, और कुछ काम नहीं है इसका, हाँ और कोई तुक्का लगाएं लगाएं। अब देखें ना, फर्ज करें मैंने वन किया था एंटर, अब मैं एंटर कर देता हूँ जी सिक्स कर देता हूँ, सिक्स पे कौन सा आएगा, थर्सडे आएगा, वेनसडे आएगा, वेनसडे 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 आ गया, लेकिन साथ ही उसने थर्सडे भी कर दिया, यानी उससे अगले वाला लाजमी कर रहा है वो, यानी देखे ना जैसे ही छठा मैंने एग्जीक्यूट करवाया सातवां भी वो कर रहा है, अगर पहला एग्जीक्यूट हुआ पहला मैच हुआ तो उसके नीचे वाले सारे कर रहे हैं, अगर मैंने गलत एंटर किया तो ऊपर वाला कोई मैच नहीं हुआ तो उसने जस्ट ये वाला किया, यानी लॉजिक ये बना कि जैसे ही वो मैच करता है उसके बाद उसे सारे के सारे नीचे वाले वो ऐसे ही बगैर मैचिंग के डिस्प्ले करवा जाता है। हम ऐसा कहते हैं, हम इसमें करते हैं कि भाई जब मैच हो जाए तो फिर भी रुकना नहीं है और आगे वाले डिस्प्ले नहीं करने, बल्कि क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, ब्रेक मतलब है स्विच से बाहर निकल जाओ। अब मैंने वन के बाद लगाया जस्ट, ठीक है, अब मैं ज़रा आता हूँ बाहर और दोबारा से ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ वन फ्राइडे, ठीक है, लेकिन मैं अगर एंटर करता हूँ टू, क्योंकि किसी में भी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो ब्रेक का लॉजिक पता चला, ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि इसका कंट्रोल जो है कंपाइलर यहाँ से आउट हो जाए स्विच से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब देखें जो ब्रेक है उसके बाद क्या लगा है, सेमी कॉलन, और जो केसेस हैं उसके बाद क्या लगा है, कॉलन, तो दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। तो ब्रेक एक स्टेटमेंट है नॉट अ लेबल, लेकिन केस एक लेबल डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल नहीं आता,
यहाँ हमेशा कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। ये वेरिएबल लगाया हमने, जो स्विच है यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। 628, 628 के मतलब इसमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा? इनवैलिड, ठीक है। देखें ज़रा करके, अब मैं इंटर उसे चार कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इनवैलिड कह रहा है। क्यों? व्हाई? क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, उसकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मैंने स्विच को वेरिएबल भेजा ही नहीं है, मैंने तो उसमें कॉन्स्टेंट भेजा है, तो वो कॉन्स्टेंट की बेस पे मैचेस को क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं नम लिख दूंगा तो अब वो वेरिएबल वाली वैल्यू को यूज़ करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ 8, अब होना तो इनवैलिड चाहिए, लेकिन वो सैटरडे दिखा रहा है। देखे ना कि 8 किस में आया है? नम में, तो नम तो हमने नहीं भेजा इसे, हमने इसे क्या वैल्यू भेजी? 2 हमने क्या भेजी है? कॉन्स्टेंट भेजी है, ठीक है ना। तो 2 वो ये वाला मैच कर रहा है जस्ट, और सैटरडे दिखा रहा है। 8 आया ही नहीं है स्विच के पास, स्विच के पास 8 उस वक्त आएगा जब मैं इसे क्या प्रोवाइड करूंगा, अब वो सही बात करेगा, अब उसे समझ आ जाएगी, अब वो स्विच में चला गया और इनवैलिड डे उसने देख लिया, ठीक है। हाँ, अभी ब्रेक नहीं लगाई हमने, तो इधर नहीं ब्रेक लगी तो इसका भी ब्रेक काम ख़राब हो सकता है, ब्रेक लगाना ज़रूरी है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ध्यान से ये लो जी, ब्रेक सब में लगा दिया, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट होता जा रहा है। अब डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, उसके बाद वैसे ही वो, ठीक है ना। एक बंदे को अपने घर से निकालना है तो वो अगले कमरे में वहाँ से धक्के देने की तो ज़रूरत है, जब वो गेट के पास आ गए फिर तो चले जाएगा, वहाँ से धक्का देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, एम दिल की तसल्ली के लिए, अच्छा वहाँ भी डीट हो सकता है, नहीं यार ये कंपाइलर नहीं डीट होता। अच्छा फ़र्ज़ करें मैं 5 एंटर करता हूँ, अब ट्यूसडे आ गया, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो गया है, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा अब मैं यही कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अब ये इंटीजर की बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने मंथ की बेस पे काम करना है तो मुझे कितने केसेस और लगाने पड़ेंगे? 7 लगे हुए, तो 7 की जगह पे 5 और लगेंगे, और 12 होते हैं मंथ, 12 महीने होते हैं, क्या हो गया है, ठीक है। तो 12 मुझे 5 केसेस मुझे मजीद लगवाने पड़ेंगे और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा और इसके अलावा जी फर्ज करें मुझे चेक करने हैं वोवल्स, अब मुझे वोवल्स चेक करने हैं, वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो अब इसमें तो ये काम नहीं हो सकता, मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना होगा, एक वेरिएबल चेंज करना होगा, बेशक वेरिएबल का नाम यही रहने दूँ लेकिन इसकी टाइप मुझे चेंज करनी होगी करेक्टर, और मुझे रिसीव भी यहाँ पे करना होगा करेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैचेस भी करवाने होंगे ए ई आई ओ एंड यू, ओके जी नाइस। अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ए ई आई ओ यू हो गए कंप्लीट, इन दो की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का मैसेज ज़रा अच्छा दे दें, ये गलत मैसेज है, इनवैलिड डे नंबर ना कहें, इनवैलिड, या हम कहते हैं जी उसके अलावा वोवल्स के अलावा क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। आलो जी हम यहाँ से अब एंटर करते हैं कैपिटल ए, वो कहता है जी ओहो हमने वहाँ भी नहीं चेंज किया। अच्छा हम इस तरह करते हैं, हम एक ही मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जी वॉवल, और यही कॉपी पेस्ट मार देते हैं सब में, बस ये थोड़ा सा आपको कॉपी पेस्ट का तरीका भी आना चाहिए, कंट्रोल वी कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ यू वॉवल, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ जी यू एंटर कॉन्स्टेंट। अच्छा एक मसला आ गया, अब एक मसला रह गया सिर्फ हल होने वाला, लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, जब मैं एंटर करता हूँ ए, हालांकि ये तो वॉवल है लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कॉन्सोनेंट, क्यों?
क्योंकि वो स्मॉल एबीसी है और यहाँ हमने किसको मैच करवाया है, कैपिटल्स को, तो हमें यहाँ पे एक केस और लगाना पड़ेगा इधर ही स्मॉल ए का, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ए आई ओ यू, वेरी गुड वेरी गुड यू, लो जी अब स्मॉल और कैपिटल सारे हैंडल हो गए, दैट्स इट, कहानी खत्म। लो जी वॉवल, अब हम इसके अलावा कोई एंटर करेंगे तो वो हमें वो देगा जी, लाइक पी एंटर करते हैं, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि स्विच का लॉजिक क्या है और लॉजिक इसको क्यों यूज़ करते हैं और करेक्टर और इंटीजर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई होप, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इसी में से आपकी जो है वो टेस्ट होगा।